भोले भाले से तबलापुर के लोग, उन्हें ना सेलफोन का पता है ना टेलीफोन का पता है। टीवी और सिनेमा थिएटर तो दूर की बात है। गांव में सिर्फ दो रेडियो है, एक सरपंच के पास है जो सिर्फ सरपंच ही सुनते हैं, और एक चाय की दुकान वाले कमलेश बैल के पास। पूरे गांव में सरपंच को कोई टक्कर देने वाला है तो वो तुम ही हो कमलेश भाई। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमें ये समाचार कैसे सुन पाते। थोड़े दिन सबर कर लो चाचा जी, इस रेडियो को बेचकर टीवी लेकर आने वाला हूँ। टीवी? ये टीवी क्या होता है कमलेश? बड़ा वाला रेडियो है क्या? आपको बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा, जब लेकर आऊंगा तब देख लेना टीवी क्या होता है। ये बात आग की तरह फैल जाती है सारे गांव में, और जल कुकड़े सरपंच के कानों तक भी पहुंच जाती है। सरपंच को रेडियो के बारे में भी कमलेश के रेडियो को देखकर ही पता चला था। अब उसे टीवी क्या होता है ये भी नहीं पता है, इसलिए इतने परेशान हो रहा है। उस कमलेश ने मुझसे पहले रेडियो खरीद कर मेरी आधी इज्जत पहले ही मिट्टी में मिला चुका है। अब उसे ये टीवी नाम की बला से मेरी बाकी की इज्जत निकलने से कैसे बचाऊं? पहली बार रेडियो लेकर आने पर जो बात फैलाती थी, अभी भी वही बात फैलाएंगे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जब कमलेश पहली बार अपना रेडियो लेकर आया था, तब जलकुकड़ा सरपंच और उसकी पत्नी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये कहकर डरा रहे थे कि कमलेश ने काला जादू करना सीखा है, और वो उसी की मदद से एक डब्बे से इतनी सारी आवाजें निकलकर सुना रहा है। लेकिन जब कमलेश ने सरपंच को भी एक रेडियो लाकर देने का वादा करता था, वो काला जादू वाली बात कैसे गायब हो गई? किसी को समझ में ही नहीं आया। अब दोनों पति पत्नी फिर से वही करना चाहते थे, कमलेश बैल को बदनाम करके। ये देखो गांव वालों, अब तुम जिन्हें रेडियो पर सिर्फ बात करते हुए सुन रहे थे, अब उन्हें इस टीवी नौटंकी करते हुए भी देख पाओगे। इसी को टीवी कहते हैं। कैसे लग रहा है देखकर? मुझे ये की बात समझ में नहीं आ रही है, इतने बड़े इंसान इस टीवी के अंदर कैसे गए होंगे, और यहाँ पर कभी तो बाहर आएंगे ना? ये अब कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। इन पर बहुत खतरनाक वाला काला जादू किया है इस चाय की दुकान वाले ने। हमें अभी इसी वक्त इसे गांव से बाहर निकल देना चाहिए। ऐसे फिर से सरपंच और उसकी पत्नी मिलकर एक साधारण से चाय वाले पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर उसे गांव से ही बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। कमलेश भी अपने तरफ से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। आपने इस रेडियो के वक्त भी ऐसे ही कुछ कहा था, और अब आप खुद रेडियो पर समाचार सुनते हो। आपका कैसा भरोसा करना है कि आप ये सब अपनी भी एक टीवी के लिए नहीं कर रहे हो? ऐसे जोर से सवाल करने पर सरपंच और उसकी पत्नी चुपचाप घर लौट जाते हैं। लेकिन उन्हें उनके साथ हुए अपमान का बदला लेना था, और एक टीवी भी, इसलिए एक नई योजना बनाते हैं, और उसी योजना से अगले दिन से गांव के लोगों को गायब करने लगते हैं। और सबसे पहले वही जाकर कमलेश से बहस भी करते हैं। जब मैंने और मेरे पति ने कहा था, तब तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया था ना। अब ये कमलेश अपने टीवी के अंदर लोगों को भरने के लिए गांव से गायब कर रहा है। लेकिन अभी तक तो कोई भी गायब नहीं हुआ है, तुम्हें ये बात कैसे पता चल गई? कहीं तो तू काला जादू नहीं करने लग गए हो ना? लोग उल्टा उन्हीं से सवाल करने पर सरपंच और उसकी पत्नी को समझ में आता है कि सबसे पहले जाकर कुछ भी नहीं करना है। जिनके घर से लोग गायब हुए हैं,
वो खुद शोर मचाएंगे, तब बीच में बात कर सकते हैं। कमलेश, मेरी पत्नी कहाँ पर है? सच बता, तू कल जादू करके लोगों को अपनी टीवी के अंदर डाल रही है ना? अब तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास हो रही है ना? जब तक किसी को कोई नहीं देते, तब तक अकल नहीं आता है ना? अकल की जरूरत कैसे, ये बात तो अब पता चलेगी सरपंच जी। गांव वाले होंगे बोले भले से, मैं नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए सरपंच और उसकी पत्नी ने जिन लोगों को गायब किया था उन सब को लेकर आता है। वो लोग बताते हैं दोनों पति पत्नी ने कैसे झूठ बोलकर बाहर भेजा था। सच्चाई सामने आने के बाद दोनों शर्मिंदा होते हैं और माफी मांगते हैं। उसके बाद सब लोग टीवी बिना किसी डर के देखते हैं। हंडीपुर नाम के एक गांव में मौसम नाम का एक बैल अपनी पत्नी तारा गाय और बेटे चंदू बैल के साथ रहता है। हंडीपुर में मौसम की एक छोटी सी लेकिन बहुत मशहूर बिरयानी की दुकान है, लेकिन वो हर रोज दुकान पर नहीं जाता है। तुम ये बात जानते हो ना? अगर तुम हर रोज भी दुकान चलाओगे तो हर रोज भी उतने ही पैसे कमाओगे जितने दो तीन दिन में एक बार खोलकर कमाते हो। फिर भी दुकान क्यों नहीं खोलते हो भाई? मैंने जिंदगी भर हर समझदार इंसान और किताबों से एक ही बात सीखी है, लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितने की जरूरत है उसी में खुश रहना चाहिए। सच्ची मेहनत करने वाला चाहे कितने भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो कभी भी लालची नहीं कहलाता है। ये बात आपको जल्द से ही समझ में आ जाएगी। ऐसे कहते हुए वो बैल वहाँ से चला जाता है और मौसम उस बैल की बातें सुनकर एक बहुत बड़े समझदार की तरह मुस्कुराकर अपने काम पर लग जाता है। मौसम की पत्नी भी उसे हमेशा हर रोज काम करके चार पैसे बचने को कहती है, लेकिन मौसम के पास हर बात का जवाब तैयार रहता है। अब तो चंदू भी बड़ा हो रहा है, उसके साथ उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। बड़ी क्लास में ज्यादा किताबें और ज्यादा फीस लगती है। तारा, मुझे एक बात बताओ, आज हमें किस चीज की कमी है या कल किस चीज की कमी थी? कल अच्छे से गुजर गया और आज भी अच्छे से ही गुजर रहा है, तो फिर आने वाले कल की फिक्र में आज क्यों खराब कर रही हो? मुझे पता है आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन एक दिन आएगा मैं आपसे कुछ कहूंगी तो नहीं, लेकिन आपको सवाल पता होगा और आप उस सवाल का जवाब चार शब्दों में दोगी। मौसम अपनी पत्नी की बातें सुनकर फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वैसे भी मौसम दुकान नहीं चलाना वाला था, इसलिए घूमने के लिए बाहर जाता है और सड़क दुर्घटना में उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती है। थोड़ा सा इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में हो जाता है, लेकिन आगे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, वो भी ढेर सारे पैसे। अगर आप पैसे लगाने को तैयार है तो ये सिर्फ 3 महीने पहले ही ठीक हो सकते हैं। अगर नहीं है पैसे तो सरकारी हॉस्पिटल की ही दवाइयाँ इस्तेमाल करके 2 से 3 साल में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर तारा और मौसम दोनों के ही होश उड़ जाते हैं और वो अब क्या करेंगे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारा सवाल समझ गया हूँ तारा, और तुम वो 4 शब्द वाला जवाब भी जानती हो, लेकिन अब आगे क्या करे और कैसे करे? किसी तरह से दुकान को चलाने की कोशिश करनी होगी मुझे ही, अगर बात बन गई तो आपका इलाज भी हो सकता है। ऐसे कहते हुए तारा फिर से बिरयानी की दुकान शुरू करती है,
लेकिन अब उनकी दुकान के सामने एक और दुकान लग गई थी और गांव वाले चार दिन में एक बार खुलने वाली दुकान से अच्छा हर रोज खुलने वाली दुकान में ही जाना पसंद कर रहे थे। ऐसे में तारा की दुकान पर तो कोई नहीं आता है। हर रोज जैसे बिरयानी बना रही हूँ वैसे ही वापस भी लेकर आ रही हूँ, कोई एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? माँ, मैं ये बात बोलूँ, गुस्सा मत करना, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। आप एक बार जिम्स की बिरयानी बनाकर देखो ना, जो मैं खाता हूँ। अगर आपकी ये बिरयानी नहीं बिकी तो मैं सारी खा जाऊंगा, पक्का। अपने बेटे की बात सुनकर तारा गाय सर पकड़ लेती है अपना। फिर तभी उसे एक ख्याल भी आता है, सिर्फ चंदू ही एक ऐसा है या और लोग हैं जिन्हें जंप्स इतने पसंद हैं? और इसी ख्याल के चलते एक दिन तारा अपनी दुकान में जंप्स की बिरयानी बना कर बेचती है। मैंने ये कभी खाए तो नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे इनके दीवाने हैं। मेरे लिए दो बिरयानी पैक कर दो, आज बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ऐसे एक एक करके आधे घंटे में ही तारा की सारी जंप्स बिरयानी खत्म हो जाती है और उसकी अच्छी कमाई होती है। शुक्रिया चंदू बेटा, तुम्हारा उपाय तो सच में काम कर गया है, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। ऐसे तारा गाय हर रोज अपनी दुकान चलाकर 3 महीने में अपने पति की हालत ठीक कर देती है। उसके बाद मौसम दुकान को संभालता है। मैं वादा करता हूँ तारा, आज के बाद जब तक जरूरी ना हो मैं दुकान बंद नहीं रखूँगा। हमें कल की भी फिक्र करनी चाहिए, कल कैसा होगा ये कोई नहीं जानता है। ऐसे कहते हुए मौसम बैल बहुत ही अच्छे से अपना काम करता है और लोग जंप्स बिरयानी दीवाने हो जाते हैं।